सो गाइस आज संडे है, हम संडे के दिन घूमने आए हैं और हम आए हैं पारसनाथ मंदिर मानेश्वर में है, काफ़ी जानी मानी मंदिर से। तो यहाँ का आपको व्यू दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे लेटेस्ट ब्लॉग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम पहुँच चुके हैं मेन गेट पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन गेट का व्यू है। क्योंकि आज संडे है तो भीड़ बहुत कम होती है संडे के दिन, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा व्यू दिखाने वाला हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम यहां से प्रसाद लेंगे, उसके बाद हम मंदिर की तरफ चलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पार्क है, इस पार्क के बीच में एक बहुत बड़ी मंदिर बनाई गई है शिव जी का है। यहां पर हम सब प्रसाद को चढ़ाएंगे और यहां का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ किस तरह से, कितने हरियाली के साथ में। और ये मंदिर आप जो मूर्ति आप देख रहे हो शंकर जी का, बहुत बड़ी मूर्ति है, मतलब अगर आप दूर से देखोगे तभी आप पूरी मूर्त को देख पाओगे, अगर आप पास जाकर देखते हो तो आप इसे आप पूरी मूर्त को देख नहीं सकते हो, इतनी हाइट पे है। तो यहाँ पर पार्क में बहुत सारे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और उसके बाद यहाँ पर रेस्ट भी करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो पौधे की सजावट की गई है, पार्किंग बनाई गई है, पार्क के बीच में मूर्त को बैठाई गई है, कैसे लग रहा, तो यहाँ का आप व्यू देख सकते हैं। और यहाँ पर लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, फ़ोटोज़ को खींचते हैं, उसके बाद जो भी अपनी मन्नत होती है सब मांगते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर घूमते भी रहते हैं, यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने का ये जगह है। तो आप ये मूर्त पूरा स्पष्ट देख सकते हैं, अगर आप इस मूर्त को पास से देखोगे तो आपको बहुत बड़ी मूर्त दिखाई देगी। ये मूर्ति आप जो देख रहे हो ये पहाड़ों के बीच में है, यानी कि यहाँ पर ये काफ़ी हाइट्स पे है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में, अभी आपको मैं पहाड़ भी दिखाऊंगा कितने हाइट से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हूँ। यानी ये मूर्त आप देख रहे हैं मानेश्वर में पहाड़ों के बीच में, यहाँ पर अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ दिखाएंगे, मतलब बहुत छोटे छोटे घर दिखाएंगे आपको पहाड़ों पर से। ये मूर्त पूरी पहाड़ पे ही बनी है, इसकी हाइट मूर्त की बहुत लंबी है, साथ में पहाड़ों के बीच में ये मूर्त को बनाई गई है। इसके साथ बहुत सारी मंदिर हैं जिन्हें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले यहाँ से आप देख सकते हैं इसके पार्क की ग्राउंडिंग की गई है, मूर्त के किनारे किनारे किस तरह से पार्किंग बनाई गई है। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ नीचे की तरफ और मैं ऊपर से आपको नीचे का दिखाऊंगा, मतलब साइड से। यहाँ पर आप देख सकते हैं नई मूर्त बन रही है और ये आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, मैंने इसे फोटो मतलब इसे रिकॉर्डिंग किया तो ऊपर से किया था। आप नीचे का व्यू देख सकते हैं किस तरह से पूरा पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे घर मिलेंगे। और ये लोग कुछ मेरे साथ गए थे जो मेरे चाचा उचा थे, उसके बाद ये सब यहाँ पर फोटो वोटोज़ खींच रहे थे, तो हमने यहाँ पर ब्लॉग वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब हम सब लोग जा रहे हैं दूसरी मंदिर की तरफ। तो जैसे मैंने गेट से बाहर निकला तो यहाँ का आप व्यू देख सकते हैं कितना बढ़िया कृष्ण भगवान का वो बनाया गया है और यहाँ पर छांव बहुत तगड़ियाँ है। ये मंदिर है, इसके बाद भी मंदिर है, तो आप वीडियो के साथ पूरा एंड तक बने रहिए जैसे आपको पूरी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडियो जहाँ हम लोग जा रहे हैं, अब इसके ऊपर भी मंदिर है, मतलब यानी कि 4-5 मंदिर करीब में हैं। तो यहाँ पर हम साथ में जा रहे हैं ऊपर की तरफ और यहाँ पर आपको दूसरे मंदिर का व्यू दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर रुक के हम सब पानी पियेंगे, यहाँ पानी पीने की जगह बनी है, ठंडे पानी पियेंगे उसके बाद तब हम मंदिर के ऊपर से जाएंगे। ये जाने के लिए ऊपर सीढ़ी बनाई गई है और जैसे मंदिर को पहुँचूंगा वहाँ का भी आपको व्यू दिखाऊंगा। अब ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद मैं आपको यहाँ मंदिर भी दिखा दे रहा हूँ किस तरह से बनाया गया, कितनी मूर्ति हैं, तो आपको वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहना है। यहाँ पर हम सब पहले सबसे पहले प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर मंदिर की गेट की तरफ पहुँच गए हैं और हम सब जा रहे हैं ऊपर गेट पर दर्शन करेंगे वहाँ पर मंदिर में, तो आपको पूरी तरह से दिखा देंगे कि मंदिर पूरी तरह से खाली है, क्योंकि हम सब संडे के दिन ही गए थे और संडे के दिन बहुत ही खाली रहता है, यानी मैं ब्लॉग वीडियोस बनाने के लिए संडे को ही गया था। तो मंदिर के अंदर पहुंच गया
मैं आपको यहाँ पर मंदिर के अंदर भी दिखाएंगे और यहाँ हम पूजा करेंगे, प्रसाद भी चढ़ाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से भी आ चुके हैं। सो गाइस, मंदिर का आउटडोर यही है, ऐसे कुछ दिखाई देता है। इनके तो वीडियो ने पता नहीं कोई फेसबुक पे डाल। ये मंदिर का स्थल है, यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऊंचाई पर है, आप ऊंचाई के आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसा दिखाई दे रहा है।